तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस एकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। पार्लियामेंट का सेशन है और पार्लियामेंट में अब तक हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा है, पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे स्टेट के गवर्नर के बारे में, राज्य के राज्यपाल के बारे में। आपको पता ही होगा हमारे यहाँ जो ऐसे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर गवर्नर हैं, आप बताओ, दिमाग चल रहा है आपका, बताओ। स्किप मत करना, बड़ा इंटरेस्टेड सा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर राज्यपाल का पद है, बताओ तबस्सुम। दो, यस यू बताओ, दो। और कोई दो के अलावा, एक तीन चार पाँच भी कोई कह रहा, चार। तबस्सुम ने अपना आंसर बदल दिया, चार। इन्होंने तुरंत DRS ले लिया लग रहा। और भाई, और एनीवन? हाँ अनीस, आप बताओ। हमारे देश में कोई भी संघ शासित क्षेत्र या केंद्र शासित क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी ऐसी नहीं है जहां पर राज्यपाल है। राज्यपाल का पद किसी भी यूनियन टेरिटरी में नहीं है, LG का पद है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का। और लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद भी कहां पर है, गिनो मेरे साथ। जम्मू कश्मीर एक, पांडिचेरी या पुदुचेरी दो, और दिल्ली तीन, तीन जगहों पर। उससे पहले दो जगहों पर होता था, दिल्ली और पांडिचेरी में। बाद में जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, लद्दाख को अलग कर दिया गया। तो जम्मू कश्मीर, पांडिचेरी और दिल्ली में गवर्नर तो है, लेकिन उसका नाम गवर्नर नहीं है, उसका नाम है लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल। ध्यान रखना इस बात को। तो 28, यही तो झगड़ा है ना, पूर्ण राज्य। दिल्ली कहती है हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दो, जम्मू कश्मीर कह रहा है हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दो। केंद्र सरकार कह भी रही है, अभी मोदी जी ने भाषण दिया ना वो चुनावी रैलियों में, तो उन्होंने वादा किया वहाँ से जम्मू कश्मीर के लोगों से कि आपको जल्दी ही पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा और वहाँ पर चुनाव भी होगा, ठीक है। तो यही झगड़ा है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। तो उसकी सबसे पहली बात तो यही है कि वहाँ पर राज्यपाल नहीं होता है, उपराज्यपाल होता है, ठीक है। और अन्य जो केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे यहाँ, इनके अलावा वहाँ पर राज्यपाल जैसा जो अधिकारी होता है उसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर या प्रशासक। क्या कहते हैं? प्रशासक या एडमिनिस्ट्रेटर। इस चीज़ का ध्यान रखना। देखो बेटे, IAS UPSC या कोई भी एग्जाम कठिन नहीं है, ये आप सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, उसके बाद बात की बात। ओके, आगे चलें, ठीक है। तो अब अगर आप हमारी प्लेलिस्ट में प्रेसिडेंट को पढ़ें, तो जगह जगह पर मैंने प्रेसिडेंट को पढ़ाते हुए गवर्नर के बारे में बताया। प्रेसिडेंट और गवर्नर में बहुत सारी समानताएं हैं। जो पावर्स प्रेसिडेंट को पूरे देश में मिली हुई हैं, लगभग वो सारी पावर गवर्नर को अपने स्टेट के भीतर मिली हुई हैं। बहुत सारी समानताएं हैं, लेकिन कुछ असमानताएं भी हैं। अभी उनकी बात हम नहीं करेंगे, अभी हम रहेंगे केवल गवर्नर पर। जिस तरह से आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसी तरह से आर्टिकल 153 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153, उसमें कहा गया है कि भारत में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। मैंने शॉर्ट में लिखा है इन चीज़ों को यहाँ पर, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहें तो कौन चाहें। अच्छा, इस चीज़ का भी बहुत विशेष ध्यान रखना, वरना भाई संसद चाहे तो दो या दो से ज़्यादा राज्यों के लिए एक राज्यपाल को नियुक्त कर सकती है। तो आप क्या करोगे फ्लो में? हाँ, आपको ये तो पता ही है कि दो या दो से ज़्यादा राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है, लेकिन उसको ध्यान से देखना, उसे संसद लिखा है या राष्ट्रपति। अभी जो फरवरी में UP RO का एग्ज़ाम हुआ था जो कि पोस्टपोन हो गया था, उसमें इस तरह के सवाल खूब आए थे, उसने आपको घुमा दिया था जरा, हाँ ठीक है। लेकिन नहीं यार, ये नहीं है। तो राष्ट्रपति अगर, संसद नहीं, राष्ट्रपति अगर चाहें तो दो, एक ही व्यक्ति को दो या दो से ज़्यादा राज्यों का राज्यपाल भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए उत्तराखंड के राज्यपाल हैं इस समय, कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, है ना। हमारे राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह जी। तो मान लीजिए UP में राज्यपाल का पद खाली है, हिमाचल, हरियाणा या पूरे देश में कहीं भी राज्यपाल का पद खाली है, तो इन्हें वहाँ का चार्ज भी दिया जा सकता है। आमतौर पर पड़ोसी राज्य के ही राज्यपाल को चार्ज दे सकते हैं। मान लो उत्तराखंड का राज्यपाल का पद खाली है, तो यूपी वाले से कहते हैं भाई जरा यहाँ भी देख लेना आप। तो एक ही व्यक्ति को दो या दो से ज़्यादा राज्यों का राज्यपाल राष्ट्रपति नियुक्त कर सकते हैं। प्रत्येक राज्यपाल में तो एक राज्यपाल, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता ही है, हर स्टेट में एक गवर्नर हो गई होगा, ठीक है। अब अगर एक ही व्यक्ति को दो या दो से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर बनाया जाता है, तो ऐसे में उसकी सैलरी क्या होगी? ऐसे में उसकी सैलरी वो होगी जो प्रेसिडेंट तय करें, ठीक है ना भाई। एक स्टेट के गवर्नर की जो सैलरी होती है वो संसद समय समय पर कानून बना करके तय करती है, लेकिन एक ही व्यक्ति को दो या दो से ज़्यादा का स्टेट्स का गवर्नर अगर हम बना दें, तो अब ऐसे में उसकी सैलरी क्या होगी जो प्रेसिडेंट तय करेंगे? जाहिर सी बात है ज़्यादा ही होगी। अब वो जो सैलरी होगी ना, अगर तीन राज्यों का राज्यपाल है तो तीनों राज्य मिल के देंगे, दो राज्यों का है तो दोनों राज्य मिलकर देंगे समान अनुपात में। मान लीजिए UP बड़ा स्टेट है, उत्तराखंड छोटा स्टेट है। अब हम कहें भाई उत्तराखंड तो छोटा स्टेट है, हम हिस्सा कम देंगे सैलरी में, हम हिस्सा कम देंगे ना, सब बराबर दोगे, समान अनुपात में दोगे। ओके, समझ गए? क्लियर है? हाँ क्लियर है। ओके, एक बार रोकना, कोई बच्चा पूछना चाह रहा है कुछ?
जैसे हमारे यहाँ केंद्र सरकार में दो मुखिया हैं, दो तरह के मुखिया हैं, एक नाम मात्र का या औपचारिक जिसे हम कहते हैं राष्ट्रपति, और दूसरा वास्तविक, दूसरा वास्तविक या अनौपचारिक जिसका नाम है प्रधानमंत्री। उसी तरह से हर स्टेट में दो मुखिया होते हैं, एक औपचारिक यानी कि राज्यपाल और एक वास्तविक यानी कि मुख्यमंत्री। अब हमने राज्यपाल का पद क्यों बनाया अभी स्टेट में, ये एक गूढ़ प्रश्न है, इसका आंसर तो उसमें यार अभी यही दे सकती है। हमने स्टेट में गवर्नर का पद क्यों बनाया, आप लोग रहना इसी पे रहना, स्किप मत करना, क्यों बनाया हमने गवर्नर का पद? हमने गवर्नर का पद क्यों बनाया, कौन सी सरकार का एजेंट होता है? हाँ ऐसे बोलो ना, केंद्र सरकार का एजेंट होता है। चल रहा है या नहीं चल रहा, वेरी गुड, शाबाश। देखो इसको आप दो तरह से कहो कि हमने गवर्नर की जो पोस्ट बनाई है उसके दो खास मकसद हैं, एक तो ये कि उसे स्टेट का इनफॉर्मल हेड होना है, ठीक है ना, इनफॉर्मल हेड होना है, उसे स्टेट असेंबली का ऑर्गेन यानी कि अंग भी होना है। जिस तरह से हमने राष्ट्रपति को संसद का अंग बनाया है कि संसद जल्दबाजी में या जानबूझकर या अनजाने में कोई ऐसा कानून ना पास कर दे जो संविधान के खिलाफ हो, उसी तरह से स्टेट असेंबली जल्दबाजी में या जानबूझकर या अनजाने में कोई ऐसा कानून पास ना कर दे जो संविधान के खिलाफ हो, हमारा जो संघवादी ढांचा है पूरे देश का जो ढांचा है उसके खिलाफ ना हो, उसको रोकने के लिए हमने गवर्नर का पद बना दिया है, ठीक है ना। दूसरा, हमने गवर्नर को बनाया है स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट, केंद्र सरकार का एजेंट। एजेंट किस लिए? देखो भारत संघ है, क्या है? संघ है। इसमें दो तरह की सरकारें हैं, केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार, बहुत सारे राज्य हैं, इन सभी राज्यों को इकट्ठा रखना है, देश की एकता अखंडता को बनाए रखना है, है ना, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना है। राज्यों में अगर कोई पृथकतावादी अलगाव की भावना आ जाए तो उसको समाप्त करना है, इसके लिए राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि होना जरूरी है। जैसे मुगलों ने या मुगलों से पहले जैसे बलबन ने एक अधिकारी नियुक्त किया था, कौन सा, जो इकतादार पर कंट्रोल करता था, क्या नाम था उस अधिकारी का जो इकतादार पर कंट्रोल करता था, ख्वाजा, हाँ बलबन ने हर इकते में एक नया अधिकारी नियुक्त किया था जिसका नाम था ख्वाजा। वो इकतादार की इनकम एक्सपेंडिचर का हिसाब रखता था, आय व्यय का हिसाब रखता था। उसका काम ये था कि फवाजिल, फवाजिल माने सरप्लस, इकतादार को जो इनकम हो रही है उसके खर्चों को काटने के बाद जो बकाया बच रहा है वो सुल्तान को जाए, सेंटर को जाए। धीरे धीरे ख्वाजा को और अधिकार दिए गए मुगलों के समय में। अब एक नया नाम आ गया, प्रांतीय बख्शी, प्रांत का बख्शी, एक होता था ना मीर बख्शी, जैसे आजकल होता ना रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर। कौन है हमारे रक्षा मंत्री इस समय? राजनाथ सिंह जी, है ना, राजनाथ सिंह जी इस समय रक्षा मंत्री हैं। तो उस समय जो रक्षा मंत्री होता था मुगलों के समय में केंद्र में, वो होता था मीर बख्शी। मीर बख्शी के नाम से ही सूबे में, सूबा स्टेट, सूबे या स्टेट में एक अधिकारी नियुक्त किया गया जिसका नाम मीर, उसको हम कहते थे सूबे का मीर बख्शी या प्रांतीय बख्शी। हालांकि सूबे का मुखिया सूबेदार होता था, लेकिन ये जो प्रांतों में मीर बख्शी होता था, ये प्रांतीय बख्शी होता था, ये बादशाह का सूबे में एजेंट होता था, नज़र रखता था कि सूबेदार कहीं गड़बड़ी तो नहीं कर रहा। ये लगातार अपनी रिपोर्ट भेजा करता था बादशाह को कि भाई सूबे का शासन सामान्य रूप से चल रहा है, नहीं चल रहा, बगावत की बू तो नहीं आ रही है। वही काम आज गवर्नर का है कि भाई देखो राज्य का जो शासन है वो संविधान के अनुरूप चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कहीं अलगाव अलगाव तो नहीं हो रहा, हो रहा है तो आर्टिकल 356 है तुम्हारे पास, बर्खास्त करो, नए चुनाव करो, नई सरकार बनेगी, ठीक है बेटे। तो इनकी पावर्स जो हैं वो लगभग एक सी हैं, जो पावर्स राष्ट्रपति को मिली हैं वही लगभग गवर्नर को मिली हुई। इनमें अंतर क्या है मैं आपको बताऊंगा, जो लोग जा रहे हैं उनसे मैं कहूंगा कि 5 मिनट रुके हैं, हेलो 5 मिनट रुके, ठीक है, बहुत सी चीज़ें मैं एक बार पढ़ देता हूँ फिर जाना, ठीक है। तो अब प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, आर्टिकल 153, राष्ट्रपति चाहे तो दो या दो से ज़्यादा राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं। ऐसे में उसका वेतन वो होगा जो राष्ट्रपति तय करें, और ये वेतन सभी राज्यों के द्वारा समान अनुपात में व्यय किया जाएगा या भार किया जाएगा, ओके। फिर आया था आर्टिकल 154, कह रहा द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन द गवर्नर, यानी कि राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ किसमें निहित होंगी, राज्यपाल में, या राज्य सरकार की जो शक्तियाँ किसमें छुपी होंगी, राज्यपाल में। जैसे कहते हैं ना केंद्र की शक्तियाँ किसमें छुपी हैं, राष्ट्रपति में, उसी तरह से राज्य की कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें होंगी, राज्यपाल में। तो जैसे आप देखें ना, राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक है ना,
राज्य की कार्यपालिका का मुखिया है, राज्य का मुखिया है, राज्य का औपचारिक मुखिया है, राज्य का संवैधानिक मुखिया है, राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में हैं, राज्य सरकार के जो भी आदेश जारी होते हैं किसके नाम से जारी होते हैं, राज्यपाल के नाम से। जब भी नए चुनाव होंगे तो मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल, और अन्य मंत्रियों को मुख्यमंत्री की सिफारिश पर शपथ दिलाएगा राज्यपाल। जब भी नए चुनाव होंगे, जैसे अभी नए चुनाव हो रहे हैं ना, अब जिसकी भी जिसको लोकसभा में ज़्यादा सीटें मिलेंगी वो सरकार बनाएगा, लेकिन वही सरकार बनाएगा जिसे प्रेसिडेंट चाहेंगे। प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री को शपथ दिलाएंगे और प्रधानमंत्री फिर सिफारिश करेगा कि फला फला मंत्रियों को हमारे साथ मंत्री बना दो, फला फला लोगों को हमारे साथ मंत्री बना दो, तो प्रेसिडेंट उन्हें भी शपथ दिला देंगे। उसी तरह से स्टेट में मुख्यमंत्री को नियुक्त करेगा, शपथ दिलाएगा राज्यपाल, और मुख्यमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाएगा राज्यपाल। मंत्री अपना इस्तीफा किसे देंगे, राज्यपाल को। जिस तरह से केंद्र में मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम रहते हैं, अपने पद पर रहते हैं, उसी तरह से राज्यों में जो मंत्री होते हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, यानी प्रसाद पर्यंत माने उसकी इच्छा तक, जब तक राज्यपाल उनसे खुश है तब तक वो मंत्री रहेंगे, अदरवाइज हट देंगे। तो राज्य सरकारों में जो मंत्री होते हैं वो अपना इस्तीफा भेजेंगे राज्यपाल को, राज्यपाल फिर मुख्यमंत्री से सलाह मांगेगा भाई क्या करना है, हाँ भाई इस्तीफा मानना है तो ठीक है, नहीं मानना है तो भी ठीक है। ओके, समझ गए मेरी बात। इसके अलावा जिस तरह से राष्ट्रपति संसद की बैठकों को बुलाता है ना, संसद के सत्र बुलाता है और लोकसभा को भंग कर देता है, उसी तरह से राज्यपाल जब चाहे विधानसभा की, अगर दो हाउस हैं विधानमंडल में, दो हाउस हैं तो हम उसे विधानमंडल कह देंगे, और केवल एक ही हाउस विधानसभा तो उसे हम विधानसभा कह देंगे। तो राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाते हैं, सत्र स्थगित करते हैं, और अगर उन्हें लगे कि विधानसभा भंग करनी है तो विधानसभा भंग करके नए चुनाव भी करा देते हैं। ठीक है साहब, तो यही सिमिलर जैसे राष्ट्रपति की पावर है वैसे ही राज्यपाल की पावर है, कुछ अंतर है। जैसे राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के मुखिया, राज्यपाल नहीं है, है ना। राष्ट्रपति सैनिक न्यायालय की सजा कोई माफ़ कर सकते हैं, राज्यपाल नहीं माफ़ कर सकते। भारत की जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते, युद्ध संधि मैत्री जो भी होती है राष्ट्रपति के नाम से होती है, राज्यपाल को ऐसी पावर नहीं है। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए उस पर महाभियोग लगाया जाएगा, राज्यपाल के केस में ऐसा नहीं है। राज्यपाल तभी तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक राष्ट्रपति उससे खुश है, इसे हम कहते हैं प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत। राज्यपाल के अगर हम कार्यकाल की बात करें तो उसका कार्यकाल आमतौर पर चार्ज लेने से या पद ग्रहण करने से 5 साल तक होता है, लेकिन ये कार्यकाल जो है घटाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है, इसके अलावा उसका ट्रांसफर भी हो सकता है। आप देखते हैं ना, बीच में मान लीजिए उत्तराखंड के राज्यपाल हैं, उनका ट्रांसफर कहाँ कर दिया साहब, सिक्किम या मणिपुर कर दिया, ट्रांसफर भी होते हैं राज्यपालों के। इन्हें राष्ट्रपति जब चाहे इनके पद को, इनका पद से मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेज भी सकते हैं। अब मान लीजिए 5 साल का टाइम पूरा हो गया तो ज़रूरी नहीं है कि अब राज्यपाल को इस्तीफा देना होगा, वो बने रहेंगे जब तक कि नया राज्यपाल ना आ जाए, वो बने रहेंगे। एक ही व्यक्ति किसी एक राज्य का दोबारा तिवारा चौबारा जितनी बार भी राज्यपाल हो सकता है जब तक राष्ट्रपति चाहे, ठीक है ना। राज्यपाल को हटाने के लिए महाभियोग जैसी कोई व्यवस्था लाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जिस तरह से राष्ट्रपति के पास पावर हैं संसद के कानूनों के संबंध में, वीटो पावर, वही सेम पावर जो हैं राज्यपाल के पास भी हैं, वीटो पावर वही। विधानसभा से कोई कानून आया, चाहे तो परमिशन दें चाहे तो परमिशन ना दें, परमिशन रोकने से मना कर दिया तो साहब कौन सा वीटो हो गया पांडे जी, इस वीटो को क्या कहेंगे, जब उसने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, परमिशन देने से मना कर दिया तो उस वीटो को क्या कहेंगे, जोर से बोलो आप बताओ अनिस, जब राज्यपाल ने किसी बिल पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया तो उस वीटो को क्या कहेंगे। सोनू नहीं बोलेंगे, सोनू को पता है आंसर, लेकिन बोलेंगे नहीं, अरे रुक जाओ तुम्हें तो सब पता है, तुमसे तो कुछ और पूछेंगे। हाँ अनिस, यस, एब्सोल्यूट वीटो या आत्यंतिक वीटो। खैर, तो एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो, ये सारी पावर जो है वो राज्यपाल के पास भी है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं। अब 155 अपॉइंटमेंट राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, है ना, और 156 क्या कह रहा है, वो जब तक अपने पद पर रहेगा जब तक राष्ट्रपति उससे खुश हैं, ठीक है ना। रिजाइन किसे देगा, राष्ट्रपति को देगा, राज्यपाल अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 157, राज्यपाल बनने के लिए योग्यता, भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 साल उसकी उम्र हो, सिर्फ दो योग्यता, भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र कम से कम 35 साल हो। आर्टिकल 159 शपथ, उसको शपथ कौन दिलाएंगे, इनकी शपथ के लिए लिया है कि राज्यपाल को जो शपथ है वो या तो राष्ट्रपति दिलाएंगे या राष्ट्रपति द्वारा इस काम के लिए जो भी व्यक्ति नियुक्त है वो उसको शपथ दिलाएंगे। तो हमारे यहाँ एक रिवाज हो गया है क्या कि राज्यपाल को जो शपथ दिलाते हैं वो उस स्टेट के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दिलाते हैं। और जिस तरह से राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 72 में सजा माफ़ी के अधिकार हैं, उसी तरह से आर्टिकल 161 में राज्यपाल के पास सजा माफ़ी के अधिकार हैं। लेकिन शर्त यह है कि राज्यपाल जो है सजा केवल अपने स्टेट के भीतर, अपने स्टेट का जो उच्च न्यायालय है उसके द्वारा सुनाई गई सजा को माफ़ करेगा। इसके अलावा राज्यपाल के पास फांसी की सजा को माफ़ करने का अधिकार नहीं है,
फांसी की सजा को राज्यपाल सस्पेंड कर सकता है, ठीक है ना। ये पिछले सेशन में मैं आपको बता चुका हूँ, जब मैंने आपको पढ़ाया आर्टिकल 72 राष्ट्रपति के पास जो सजा माफी के अधिकार हैं। फिर एक चीज़ और, अभी चले जाना आप लोग आर्टिकल 163 का फर्स्ट पार्ट। जैसे आर्टिकल 74 और 75 है ना कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, है ना। उसी तरह से आर्टिकल 163 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि विवेकाधीन कार्यों को छोड़कर, अभी बताऊंगा विवेकाधीन क्या है, विवेकाधीन कार्यों को छोड़कर राज्यपाल को उसके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए सीएम की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है ना। एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका अध्यक्ष जो होगा चीफ मिनिस्टर होगा, और इस मंत्रिपरिषद का काम है राज्यपाल को सलाह देना। अब इसमें मैंने छोड़ा है कि जो विवेकाधीन काम है उनको छोड़ करके, पहले मैंने आपको बता चुका है, अभी इसी वीडियो के आगे मैं बताऊंगा कि विवेकाधीन क्या होंगे, क्या आगे क्या बताऊंगा, है ना। अभी बताए थे भाई विधानसभा चुनाव हो गए, विधानसभा चुनाव हो गए, अब चुनाव के बाद किसी पार्टी को जो है कि स्पष्ट बहुमत मिला नहीं, क्लियर मेजोरिटी मिली नहीं, तो अब सरकार किसकी बनेगी, जिसे राज्यपाल चाहे, जिसे राज्यपाल चाहे। इसके अलावा उसके पास कोई बिल गया वो उसे परमिशन दे या ना दे, या पुनर्विचार के लिए लौटा दे, या राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर दे, कौन, ये राज्यपाल की मर्जी है। इसके अलावा राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को यानी केंद्र सरकार को समय समय पर राज्य के शासन की स्थिति की रिपोर्ट देता है, अब उस रिपोर्ट में क्या लिखता है वो उसकी मर्जी, वो सरकार की सलाह पर काम नहीं करते। यानी कि बहुत सारे काम राज्यपाल के पास ऐसे हैं जिसमें उसे सरकार की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी मर्जी से करेगा, अपने विवेक से करेगा, उसे हम कहते हैं विवेकाधीन कार्य। तो विवेकाधीन कार्यों को छोड़कर जिसमें उसे सरकार से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है उनमें वो मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेगा, ओके। फिर आर्टिकल 163 का सेकेंड पार्ट आ गया कि जो उसने जो काम उसने अपनी मर्जी से करने थे, जो काम उसने अपनी मर्जी से करने थे वो कर दिए भाई, उस पर किसी को कोई चैलेंज नहीं होगा, वो अंतिम है, वो अंतिम है। लेकिन साहब फिर वही आ गया जुडिशरी प्रीव्यू का सिद्धांत, उसमें भी आ गया सुप्रीम कोर्ट, नहीं साहब राज्यपाल के विभागाधीन कार्य अंतिम हैं, ठीक है उस पर कोई प्रश्न नहीं है, यानी कि उन्हें कोई नहीं बदल सकता, लेकिन कोर्ट उनकी जांच कर सकता है कि भाई ये संविधान के दायरे में है या नहीं है, ये आपकी शक्तियों के दायरे में है या नहीं है, आपने कोई गलत तरीके से तो काम नहीं किया, भैया सुप्रीम कोर्ट है भैया, जांच कर सकता। लेकिन आमतौर पर हम कहते हैं कि जो उसने विवेकाधीन कार्य किए थे उसको कहीं चैलेंज नहीं किया जाएगा, और ना ही राज्यपाल को ये चैलेंज किया जाएगा कि भाई तुमने ये काम क्यों किया, किस लिए किया, किस मकसद से किया तो किया, है ना, उसको उसके कामों में कोई भी चैलेंज हम नहीं करें। लो ये तो टॉपिक बड़ी जल्दी खत्म हुआ, तो वेरी गुड। तो राज्यपाल को हमने बहुत जल्दी समेट दिया है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू।